हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जसबीर कौर क्रिएशंस। आज मैंने ये आपके सामने ये जो है ब्यूटीफुल से फ्लावर्स बनाए हैं। ये फ्लावर्स का आप यूज़ कहीं भी कर सकते हो, चाहे तो आप इसको डोर में ऐसे हैंगिंग बना सकते हो, वॉल डेकोर बना सकते हो, की चेन बना सकते हो, फ्लावर पॉट बना सकते हो, आप कई पर्पज से इनका यूज़ कर सकते हो। ये फ्लावर बनाने में बहुत ही इजी हैं। इनको चाहे तो आप एक ही कलर की वुलन से बना सकते हो, चाहे तो आप इसमें डिफरेंट जो है फ्लावर का यूज़ कर सकते हो। ये मैंने आपको अलग शेड में जो है फ्लावर बना के दिखाए हैं। फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रीन थ्रेड का यूज़ करेंगे और यहाँ पे स्लिप नॉट लगाएंगे। ये हमने स्लिप नॉट लगा ली है। देन फोर चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। फर्स्ट वाले में क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, एक स्लिप स्टिच लेंगे। अभी हमारे पास छोटा सा रिंग बन गया है। देन फोर चेन लेंगे, 1 2 3 4। क्रोशिए में 1 2 टाइम ऐसे इसमें बल डालेंगे। ये जो है सर्कल इसमें इंसर्ट करेंगे क्रोशिया, डबल स्टिच लेंगे जैसे हम लेते हैं, अगेन स्टिच लेंगे, क्रोशिए के 2 में से इंसर्ट करेंगे, देन नया स्टिच लेंगे, 2 में से इंसर्ट करेंगे और नया स्टिच लेंगे, थर्ड टाइम ऐसे बाहर निकाल लेंगे, अगेन 1 2 ऐसे 2 टाइम हम जो है यहाँ पे क्रोशिया में लगाएंगे थ्रेड, सर्कल में डालेंगे, देन बाहर निकालेंगे, नया स्टिच लेके 2 में से ऐसे बाहर निकल जाएंगे, अगेन 2 में से बाहर निकल जाएंगे, देन ऐसे इन 2 में से बाहर निकल जाएंगे। ये अभी हमने 1 और 2 ले लिए हैं। जैसे हमने ये 2 लिए हैं ऐसे हमने 12 लेने हैं। मैं अगेन आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ऐसे क्रोशिया लेंगे, 1 2 टाइम जो है इसमें बल डालेंगे, सर्कल में इंक्रीज करेंगे, देन सबसे पहले ऐसे 2 में से क्रोशिया निकालेंगे, देन फिर 2 में से निकालेंगे और देन फिर 2 में से निकालेंगे। अभी हमारे 3 हो गए हैं। ऐसे ही हम कंटिन्यू करते हुए 12 करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारे ये जो है 12 हो गए हैं। देन इसको ऐसे पकड़ेंगे और जो हमारा फर्स्ट वाला था उसमें ऐसे क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और यहाँ से एक स्लिप स्टिच लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारे पास ऐसे एक बॉल के जैसे रेडी हो गया है। यहाँ से थ्रेड को पकड़ेंगे और इसके बीच में से ऐसे निकालेंगे और यहाँ से थ्रेड को कट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये ऐसे एक हमारे पास जो है रेडी हो गया है। अभी हम दूसरे थ्रेड का यूज करेंगे। अभी हमने येलो शेड में वुलन ले ली है क्योंकि हमने जो फ्लावर्स बनाना है अभी येलो कलर में बनाना है। सबसे पहले अगेन स्लिप नॉट लेंगे,
देन ऐसे इसको बाहर निकालेंगे और कहीं से भी यहाँ से क्रोशिया इंसर्ट करेंगे। देन यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे, एक स्लिप स्टिच लेंगे, देन थ्रेड को ऐसे लंबा खींचेंगे, देन सिक्स टाइम सेम स्पेस में से डबल स्टिच लेंगे। जैसे ये मैंने थ्रेड को लंबा ले लिया है, देन ऐसे इसको फिर से अगेन लंबा लेंगे सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम। ओके फ्रेंड, ये हमने फिफ्थ टाइम ले लिया है। देन इन सभी को एक ही बार में हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लेंगे। अभी हमारे पास ऐसे रेडी हो जाएगा। अगेन यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये टू छोड़ देंगे हम, नेक्स्ट वाले स्पेस में इंसर्ट करेंगे। देन यहाँ से थ्रेड को ऐसे लेंगे, थ्रेड को अगेन लंबा लेंगे वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम और ये फाइव टाइम। ये अभी हमने फाइव टाइम ले लिया है। अगेन इनको ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से बाहर निकालेंगे और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लेंगे। ये हमने टू बना लिए हैं। अगेन हम ये वन और टू छोड़ देंगे और जो थर्ड वाला स्पेस है यहाँ पे ऐसे क्रोशे में बल डाल के थर्ड वाले में इंसर्ट करेंगे और अगेन थ्रेड को लंबा लेंगे वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम, देन फाइव टाइम। अगेन हमने फाइव टाइम ले लिया है। सबको एक बार में बाहर निकालेंगे और स्लिप स्टिच लेंगे। जैसे हमने ये थ्री बनाए हैं ऐसे ही हमारे ये जो 12 है, क्योंकि हम ये टू टू का गैप डाल रहे हैं तो हमारे पास ऐसे सिक्स बनेंगे और हम ऐसे सिक्स रेडी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारे पास ये सिक्स रेडी हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। देन अभी स्लिप नॉट लेंगे यहाँ पे, ये जो हमारा फर्स्ट वाला और सेकंड वाला है इनके बीच में जो गैप है, थ्रेड को यहाँ पे क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, देन यहाँ से एक स्लिप स्टिच लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारा ऐसे रेडी हो गया है। अभी हम इसके ऊपर छोटे छोटे से फिर से पेटल्स रेडी करेंगे। पेटल्स रेडी करने के लिए अगेन टू चेन लेंगे, वन टू, ये वाले स्पेस में से डबल स्टिच लेंगे, थ्री चेन लेंगे, वन टू थ्री। अभी इन दोनों के बीच में जो गैप है यहाँ पे क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, देन यहाँ से सिंगल स्टिच लेंगे।
ओके फ्रेंड्स, अगेन हम यहाँ से जो नेक्स्ट है यहाँ पे गैप वहाँ पे जाएंगे। ऐसे डबल स्टिच लेंगे, नेक्स्ट वाले में क्रोशिया इंसर्ट करेंगे। देन थ्री चेन, 1 2 3। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है क्रोशिये को वहां पे इंसर्ट करेंगे। देन स्लिप स्टिच लेंगे और ऐसे बाहर आ जाएंगे। अभी सेम स्पेस में से अगेन फिर से लेंगे डबल स्टिच, थ्री चेन, 1 2 3। इन दोनों के बीच में क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, स्लिप स्टिच लेंगे, अगेन डबल स्टिच लेंगे, नेक्स्ट वाले में जाएंगे, डबल स्टिच लेंगे, थ्री चेन लेंगे, 1 2 3। इन दोनों के बीच में जो गैप है उसमें डालेंगे, सिंगल स्टिच लेंगे, अगेन सेम स्पेस में से सेकंड टाइम फिर डबल स्टिच लेंगे, क्योंकि जो ये वाले स्पेस है हम इनमें 2 टाइम जो है डबल स्टिच ले रहे हैं, इसलिए हम इस वाले में भी सब में 2 टाइम ले लेंगे। तो हमारे पास ये 2 4 6 ऐसे करके टोटल 12 हो जाएंगे और ऐसे छोटे छोटे ऊपर से ऐसे बन जाएंगे। ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। अगेन मैं डिवाइड करवा देती हूँ। सबसे पहले 3 चेन, इन दोनों के बीच में जो गैप है यहाँ पे डालेंगे, सिंगल स्टिच लेंगे, नेक्स्ट वाले में जाएंगे, डबल स्टिच लेंगे, थ्री चेन लेंगे, इन दोनों के बीच में गैप है उसमें क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, डबल यहाँ से सिंगल स्टिच लेंगे, अगेन सेम गैप में डालेंगे, डबल स्टिच लेंगे, थ्री चेन लेंगे, गैप में इंसर्ट करेंगे, सिंगल स्टिच लेंगे, डबल स्टिच नेक्स्ट वाले में जाएंगे, थ्री चेन, स्पेस में इंसर्ट करेंगे, सिंगल स्टिच, अगेन उसी स्पेस में से डबल स्टिच, थ्री चेन, इन दोनों के बीच में अगेन डबल स्टिच, नेक्स्ट वाले में जाएंगे, थ्री चेन, इसमें इंसर्ट करेंगे, सिंगल स्टिच,
अगेन डबल स्टिच, रीचेन, इन दोनों के बीच में, देन सिंगल स्टिच। यहाँ पे हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया है राउंड। देन यहाँ से इस वाले में इंसर्ट करेंगे और सिंगल स्टिच लेंगे और यहाँ से ऐसे बाहर आ जाएंगे, थ्रेड को ऐसे पकड़ेंगे, कटर की हेल्प से कट करेंगे, इसको अच्छे से टाइट करेंगे, धागे को अंदर को इंसर्ट करेंगे। देन हमारे पास जो है ये फ्लावर रेडी हो गया है। सबसे पहले हमने ये 6 ग्रीन कलर में 12 बनाए थे, उसके बाद उनके ऊपर ये 6 ये वाले येलो बनाए थे। अभी ये जो छोटे छोटे हैं हमारे पास, ये क्योंकि हमने 6 के बीच में हर बार 2 लिए हैं, इसलिए ये हमारे पास ऊपर जाके ये 12 बन गए हैं। ऐसे हमारे पास जो है ये फ्लावर जो रेडी हो गया है। ये फ्लावर बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। इस फ्लावर का यूज आप कहीं भी कर सकते हो, आप इसको वॉल डेकोर में भी यूज कर सकते हो, इसको डोर में जैसे हम लटकाते हैं उसमें भी यूज कर सकते हो, की चेन में, फ्लावर पॉट में, कहीं भी आप इनको यूज कर सकते हो। आपने इनको कहाँ पे यूज किया कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू गाइस।